वहां सुकरात से किसी ने पूछा कि कामयाबी कैसे मिलती है, तो सुकरात ने कहा कामयाबी मिलती है मेहनत करने से। कहा नहीं, फॉर्मूला होता है कामयाबी का, एक फॉर्मूला। तो उसने कहा कामयाबी का कोई फॉर्मूला नहीं होता। कहा नहीं, दुनिया कहती है तुम बहुत जानते हो, तो मुझे समझाओ कामयाबी का फॉर्मूला क्या है। तो उसने कहा जाता कि नहीं, दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद कर दिया तो वो भी जिद्दी था, वही दरवाजे पे बैठ गया। कहा जब तक कामयाबी का फॉर्मूला नहीं दोगे मैं जाऊंगा नहीं। सवेरा हो गया, सुकरात उठा, देखा वो बैठा हुआ है। कहा तू बड़ा जिद्दी है, तू मानेगा नहीं, चल मैं तुझे कामयाबी का फॉर्मूला देता हूँ। मुझे लगता है कि स्टोरी में यूपीएससी का दूसरा बहुत बड़ा नियम छुपा हुआ है। कहा दीजिए मुझे फॉर्मूला। कहा यहाँ नहीं मिलता, नदी पे मिलता है, नदी पे चलना पड़ता है। वो दोनों नदी पर आए, कहाँ है फॉर्मूला। कहा यहाँ नहीं मिलता, पानी में चलना पड़ता है। जब वो उसको लेकर पानी में आया, कहा यहाँ कहाँ है फॉर्मूला। कहा वो बीच नदी में रखा हुआ है, चल। वो बीच नदी में दोनों पहुंचे, जैसे ही यहाँ तक पानी हुआ, सुकरात ने उसका सर पकड़ा और पानी में डुबा दिया और एक मिनट तक वैसे ही पकड़ के रखा। जब एक मिनट बाद सुकरात ने छोड़ा और जब उसने अपना चेहरा बाहर निकाला तो उसने एक लंबी सांस खींची ऐसे। सुकरात कहता ये ही फॉर्मूला है। कहता ये फॉर्मूला है, मेरी जान जाते जाते बच गई, इसमें कहाँ फॉर्मूला है। कहा जिस शिद्दत से तुझे ये सांस चाहिए थी, उस शिद्दत से जब कामयाबी मांगेगा तो कामयाबी मिल जाएगी। कहा जिस शिद्दत से तुझे ये सांस चाहिए थी, जिस शिद्दत से तूने ये सांस खींची है कि मेरी जान बच जाए, उस शिद्दत से जब कामयाबी मांगेगा तो तुझे कामयाबी मिल जाएगी।